मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, 200 फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जनपद में राप्ती नदी का बढ़ रहा जलस्तर, लेकिन खतरे के निशान से है नीचे, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। महानगर में हुई बारिश से कई मोहल्लों के सड़कों पर हुआ जल जमाव, लोग गंदे पानी में आने जाने के लिए हुए मजबूर, नगर निगम के दावों की खुल रही है पोल। महानगर में मंगलवार को हुआ छिटपुट वर्षा, मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। गोरखपुर विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ बागटा के पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन, सरकार से जल्द पुरानी पेंशन बहाली की मांग। राजघाट पुलिस को अहम कामयाबी लगी हाथ, 13 साल से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त सुमित वर्मा को किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। शाहपुर थाने की पुलिस टीम ने 4 दिन में 5 लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले लुटेरों के गैंग पर कसा शिकंजा, सरगना समेत 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार, लुटेरों के पास से लूटी गई 6 मोबाइल और 2 बाइक किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर पुलिस ने 1 साल में मारा हिस्ट्री शीटर का दोहरा शतक, पुलिस ने 1 जुलाई 2022 से 21 अगस्त 2023 तक 200 अपराधियों की खोली हिस्ट्री शीट, पिपराइश थाने में खोली सबसे अधिक 16 हिस्ट्री शीट, एसएसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव बिंद द्वारा यातायात पुलिस कर्मियों के साथ की गई बैठक, आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार व यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात नियमों के तहत कार्रवाई के दिए निर्देश।